अगर आप एक लॉ क्लर्क बनना चाहते हैं या इस कैरियर ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। लॉ क्लर्क कैसे बने कि इस वीडियो में आपको हर एक जरूरी जानकारी मिलेगी जो हर एक उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो एक जुडिशियल या लॉ क्लर्क बनना चाहता है या फिर बनने की सोच रहा है। लॉ क्लर्क कैसे बने इस वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं। लॉ क्लर्क क्या होता है, किसको कहते हैं, लॉ क्लर्क बनने के लिए नेसेसरी एजुकेशन, लॉ क्लर्क बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी गुणवत्ता यानी कि स्किल्स होनी चाहिए, लॉ क्लर्क किन जगहों पे काम करते हैं, लॉ क्लर्क कैसे बने, जुडिशियल क्लर्क स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लॉ क्लर्क की क्या ड्यूटीज होती है, जुडिशियल क्लर्क और कोर्ट क्लर्क की नौकरी और जिम्मेदारी, लॉ क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क और कोर्ट क्लर्क के बीच क्या अंतर होता है, लॉ क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क के स्कोप और सैलरी, कोर्ट क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क के बीच क्या होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट प्रैक्टिस। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं लॉ क्लर्क क्या होता है, किसको कहते हैं। लॉ क्लर्क का सही मतलब समझने के लिए हमें इन दोनों शब्द लॉ और क्लर्क को अलग करना होगा और दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग करके समझना होगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं वर्ड क्लर्क से। क्लर्क कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्यालय में काम करता है और रिकॉर्ड दस्तावेजों से जुड़े काम को देखता है और उस कार्यालय में अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हैंडल करता है। अब जानते हैं लॉ। लॉ सरकार द्वारा परिभाषित नियमों का एक सेट होता है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं तो आप पर इलीगल एक्टिविटी करने का आरोप लग जाएगा। प्रत्येक देश के पास अपना अपना कानून होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी जगह सेम होता है, लेकिन आपको उसका नियम मानना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इन दोनों शब्दों का अर्थ एक साथ कंक्लूड करते हैं। लॉ प्लस क्लर्क एक व्यक्ति कुछ नियमों और विनियमों का पालन करके संवैधानिक रिकॉर्ड दस्तावेज और अन्य कानूनी गतिविधियों को मेंटेन और तैयार करता है, उसे लॉ क्लर्क बोलते हैं। लॉ क्लर्क को जुडिशियल क्लर्क और लीगल क्लर्क के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी लोग कोर्ट क्लर्क भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, सभी वर्ड्स का मतलब सेम ही होता है। जानते हैं लॉ क्लर्क बनने के लिए नेसेसरी एजुकेशन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है लॉ क्लर्क मतलब आपके पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। एक लॉ क्लर्क बनने के लिए लॉ की नॉलेज गेन करने के लिए आपको LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसके पास LLB की डिग्री होती है उसे लॉयर ही कहते हैं, इसका मतलब लॉ क्लर्क भी एक लॉयर ही होता है जिसने लॉ करने के बाद क्लर्कल को ऑप्शन चूज किया है। यहाँ तक कि लॉ क्लर्क को एक काफी अच्छा लॉयर माना जाता है क्योंकि उसके पास लॉ की अच्छी नॉलेज होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कोर्ट में लॉयर बनकर कानूनी दाव पेच भी नहीं सीख पाओगे जितना कि आप एक लॉ क्लर्क बनकर सीख जाओगे। लॉयर बनने के दो अलग अलग तरीके हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने लॉ में डिग्री हासिल करने के लिए दो डिफरेंट एकेडमीज प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है जो लॉयर बनना चाहते हैं। आज की दुनिया में लॉयर के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। कैरियर ऑप्शंस को चूज करने के बाद लॉ ग्रेजुएट्स से बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई सारे प्रोग्राम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किया है। आज आपके पास विभिन्न इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम है, चुनने पे आप ज्यादातर स्टूडेंट जो है BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चुनते हैं कोर्ट क्लर्क में लॉ क्लर्क बनने के लिए। आज आपके पास विभिन्न इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम है चुनने को, पर ज्यादातर स्टूडेंट BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चुनते हैं कोर्ट में लॉ क्लर्क बनने के लिए। परंतु आप BA LLB के अलावा भी कई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल प्लस टू एजुकेशन के आधार पर भी कर सकते हैं। आप इसी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और बिजनेस में है तो आप अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में है तो आपके लिए BCom LLB और BBA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को चूज करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको लॉ क्लर्क बनना है और बड़ी बड़ी कंपनीज में कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको काम करना है तो आप BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो जानते हैं लॉ क्लर्क बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी गुणवत्ता यानी कि स्किल सेट होनी चाहिए। लॉ क्लर्कशिप में ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें आपके स्किल सेट ज्यादा मायने रखते हैं लॉ डिग्री के मुकाबले। एक सक्सेसफुल लॉ क्लर्क बनने के लिए लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके पास निम्नलिखित कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे जैसे कि ध्यानपूर्वक सुनना और कम समय में चीजों को सीखना, एक्टिव लिसनर और लर्नर होना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को खोजना और उसको पेपर पे नोट करना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है। किसी भी कार्य को उस तय समय में पूरा कर लेना जो आपने डिसाइड किया है यानी कि टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद फैमिलियर विथ ऑल कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद है कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग का स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब 40 से लेके 60 वर्ड्स आप एक मिनट में टाइप कर सकें, और कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखना है उसका आपको वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स होनी चाहिए।
इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट पे उपलब्ध लॉ और क्लर्कल से रिलेटेड सेवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जानते हैं लॉ क्लर्क किन जगहों पे काम करते हैं, इनका वर्क प्लेस क्या है, जैसे कि म्यूनिसिपल ऑफिस, आईटी इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी, लॉ फर्म्स, जुडिशियरी और एडवोकेट ऑफिसेज में ये काम करते हैं। तो जानते हैं लॉ क्लर्क कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहला है हाई स्कूल, आपको अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10+2 स्कूल पास करना होगा। एक लॉ क्लर्क बनने के लिए आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से पास होना होगा, इसमें मिनिमम 45% जरूरी है। सेकेंड है एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए और एक अच्छा लॉ क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इंडिया में बहुत सारी प्रवेश परीक्षा है यानी कि एंट्रेंस एग्जाम है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज स्टेट के द्वारा भी, जैसे कि क्लैट और AIELTS एंट्रेंस एग्जाम सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। क्लैट के द्वारा आप इंडिया में बहुत सारे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इन दो एंट्रेंस एग्जाम को इंडिया का हर वो स्टूडेंट देता है जो एक लॉयर बनना चाहता है या लॉ क्लर्क बनना चाहता है। थर्ड स्टेप है हमारा लॉ क्लर्क कैसे बने, LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। काउंसलिंग के समय में LLB पाठ्यक्रम यानी कि LLB और इंटीग्रेटेड LLB में किसी में एक में प्रवेश आप ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो LLB करवाते हैं और कॉलेज ऐसे हैं जो कुछ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन देती हैं। तो इन कॉलेज में आप एडमिशन ले, आप सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, 12th का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बातें हैं, अगर आप भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो एडमिशन के लिए जिस प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ LLB करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्थान है जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पार्ट है, जिसका आप भारत में कानून अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नेतृत्व। फोर्थ है हमारा इंटर्नशिप और लीगल ट्रेनिंग, आप अपने कॉलेज के द्वारा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब सेमेस्टर एग्जाम के बाद छुट्टी होती है उस समय आप एक लीगल ट्रेनी बन सकते हैं। हालांकि ये अनिवार्य स्टेप नहीं है यानी कि नेसेसरी नहीं है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये लॉ क्लर्क बनने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आपने पहले कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसका बहुत सारे फायदे होते हैं इंटरव्यू वगैरह में। नेक्स्ट है अटेंड इंटरव्यूज, अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे क्रिएट करें। ध्यान रखिए कि आपके जो योग्य रिज्यूमे हैं उसमें आप अपने स्किल्स को डालें, अपने जो अपने अचीवमेंट है वो सब आप इसमें अपलोड करें और अच्छे तरीके से बनाएं। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास मेन दो ऑप्शंस बचे होते हैं क्लर्क बनने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, जैसे कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी, जिसमें आपको मोस्टली लॉ स्टूडेंट प्राइवेट जॉब की तरफ भागते हैं। तो अगर आपको भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो आप रिज्यूमे अपना तैयार रखें, और ये चीजों जो है आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, अगर आप जुडिशियल क्लर्क बनना चाहते हैं तो कोर्ट क्लर्कशिप में आप कोर्ट के पास ऑनरेबल जज के साथ काम करें। जुडिशियल क्लर्क बनने के लिए आपको दो और स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है जुडिशियल क्लर्क कैसे बने, लॉ क्लर्क एग्जाम के बारे में। हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क एग्जाम के लिए आयोजित करता है। लॉ क्लर्क का खाली पदों पे भरने के लिए लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम होता है। हर स्टेट के हाई कोर्ट में जुडिशियल क्लर्कशिप एग्जाम को कंडक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम अगर कोई पद खाली होती है तो न्यू वैकेंसी जारी की जाती है। तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और हाई कोर्ट जुडिशियल क्लर्क बन सकते हैं। इन परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को सेट किए गए हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट में फॉर्म भरने के लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना होगा। वह भारत की नागरिक होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 30 साल का होना चाहिए। कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और वो उम्मीदवार भी फॉर्म भर सकते हैं जो LLB 5 साल का कोर्स कर रहे हैं और वो लास्ट ईयर में है। अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप जुडिशियल क्लर्क कैसे बने, इसके इंटरव्यू राउंड के बारे में। तो लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में आप पास होने के बाद अपने फाइनल में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाएगा और कोर्ट के ऑनरेबल जज आपके पर्सनल इंटरव्यू लेंगे और इस इंटरव्यू में ज्यादातर आपके बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि अंत में जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको जज के साथ पास अपॉइंट किया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं जैसे कि कानूनी दस्तावेजों को तैयार करना, लेखा जोखा रखना, ये सुनिश्चित करना जो शब्द लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके साथ में कानूनी दस्तावेजों को जांच करना, जांच पड़ताल करने का ये काम होता है। साथ में जो एडवोकेट होते हैं यानी कि वकील जो होते हैं ऑफिस में कार्य करते हैं और उनके साथ भी काम करने सारे ऑफिस वर्क भी होते हैं। अब जानते हैं कोर्ट क्लर्क की नौकरी और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में। एक लॉ क्लर्क के लिए इंडियन जुडिशियरी सिस्टम का हिस्सा बनना और जज के साथ काम करना बड़ा ही उच्चतम और प्रतिष्ठित नौकरी के अवसर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं।
और उनकी नौकरी में क्या क्या करने होते हैं। आपने तो फिल्मों में देखा ही होगा शोज में कि एक गीता या फिर मूडी से पुस्तक आपने देखा होगा कि जाते हैं और वो कसम खिलाते हैं कि आप जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो काम है वो एक कोर्ट क्लर्क का ही होता है। उन सभी केसेस को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, फाइलिंग करना, डाटा बनाना, वो सभी काम एक कोर्ट क्लर्क का होता है। कोर्ट जस्टिस के निर्देशों का पालन करना, उस पर ध्यान देना, ये सभी काम एक कोर्ट क्लर्क का होता है। जानते हैं लॉ क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क के बीच में क्या अंतर होता है। लॉ क्लर्क यानी कि कानून क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क यानी कि न्यायिक क्लर्क में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। दोनों के पास लॉ की डिग्री होती है और लगभग सामान्य स्किल सेट रहते हैं। एकमात्र चीज जो इन दोनों के टर्म्स को अलग अलग बनाते हैं वो है कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करते हैं। और यदि एक ग्रेजुएट जिसके पास लॉ की एजुकेशन है और सेम एजुकेशन होने के बावजूद अगर वो लॉ क्लर्क बनना चाहता है, न्यायपालिका के साथ हिस्सा बनकर वो काम करना चाहता है, तो वो जुडिशियल क्लर्क या कोर्ट क्लर्क कहा जाता है। सभी जुडिशियल क्लर्क लॉ क्लर्क होते हैं, पर सभी लॉ क्लर्क जुडिशियल क्लर्क नहीं बन सकते हैं। उसके लिए उन्हें लॉ क्लर्कशिप का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो जानते हैं जुडिशियल क्लर्क के स्कोप के बारे में। तो इसमें काफ़ी स्कोप अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक जज है तो जज को किसी केस की सुनवाई करनी है तो वो एक क्लर्क को ढूंढता है जो उनकी दस्तावेज को ठीक कर सके और इनकी जो कोर्ट की जो इनकी केसेस आती है उनकी रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में मैनेज करें, जिनके पास लॉ की अच्छी खासी नॉलेज हो और उनकी बात को समझ सके। एक कह सकते हैं कि एक एज ए हेल्पर के रूप में उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो जो काम है वो एक लॉ की क्लर्क ही करता है। तो यहाँ पे स्कोप काफी बढ़ जाते हैं, तो इस सेक्टर में आप जा सकते हैं, काफी स्कोप है इसमें। अब जानते हैं इनकी सैलरी के बारे में। अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया की जो सैलरी है जुडिशियल क्लर्क की, तो मंथली सैलरी 25,000 से लेके 35,000 रुपए तक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस कोर्ट में आपको अपॉइंट किया जाता है और ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। ये अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अभी 7th पे के हिसाब से इन्हें पे मिल रहा है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे इनकी अब सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर इंडिया में जो लॉ क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी है वो 15,000 से शुरुआती करके 40,000 तक ऐसे जाती है और एक्सपीरियंस पे इनका बढ़ते जाता है। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो, लॉ क्लर्क कैसे बने। अगर आप लॉ के रिलेटेड अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, और किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इंस्टाग्राम से जुड़े, वहां भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching.